नंदू की सुंदर नगर में चाट पापड़ी भल्ला और गोलगप्पे की दुकान थी। उसकी बनाई चाट भल्ला पापड़ी और गोलगप्पे सभी लोग पसंद करते थे। नंदू चाट पापड़ी बनाते हुए क्वालिटी का पूरा ध्यान रखता था। वह सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां लाकर और रोज नई दाल भिगोकर भल्ला पापड़ी और चाट बनाता था। वह गोलगप्पे का पानी भी रोज नया बनाता था, इसलिए उसके गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाकर लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। एक दिन दो आदमी आपस में बात करते हैं। भाई, मैं तो नंदू की दुकान से कई सालों से चाट पापड़ी खा रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी बीमार नहीं हुआ, क्योंकि वह हमेशा ताजा ही सामान इस्तेमाल करता है। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो हम भी खाकर देखते हैं। नंदू का काम सही चल रहा था, लेकिन काम के साथ साथ उसका लालच भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन नंदू का दोस्त चंदू उससे मिलने आता है और नंदू से कहता है, यार नंदू, तुम्हारा काम तो सही चल रहा है, लेकिन तुम बचाते क्या होंगे? तुम तो रोज इतना बढ़िया माल इस्तेमाल करते हो। तुम सही कह रहे हो चंदू, बस गुजारे लायक बच जाता है, लेकिन ग्राहकों को सही माल भी तो देना है ना। अरे यार नंदू, कैसी बात करते हो, तुम्हारी दुकान तो अब चल चुकी है, ग्राहक तुम पे विश्वास करने लगे हैं। थोड़ा सोचो इसके बारे में, हल्का माल मिलाया करो। नंदू चंदू की बातों में आ जाता है और अगले दिन सब्जी मंडी से पुरानी गली और सस्ती सब्जियां उठाकर लाता है और शाम को बचा हुआ सामान भी अगले दिन इस्तेमाल करने लगता है। ऐसा करने पर उसे अगले दिन काफी मुनाफा होता है। यह देखकर नंदू खुश हो जाता है। अब वह रोज रोज पुरानी सब्जियां, घटिया दाल और घटिया मसाले अपनी चाट में इस्तेमाल करने लगता है। एक दिन एक औरत नंदू से कहती है, अरे नंदू, अब तुम्हारी चाट में वो बात नहीं रही, परसों ही मेरी सहेलियों ने तुम्हारी चाट खाई और सबकी सब बीमार पड़ गईं। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कुछ और खा लिया होगा। एक दिन जब नंदू सब्जी मंडी में पुरानी गली हुई सब्जियां खरीद रहा था, तभी एक आदमी ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। उसने देखा कि कैसे नंदू पुराना गला सड़ा सामान मिलाकर चाट बना रहा था। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नंदू के सामान की जांच की और नंदू को खराब सामान बेचने के जुर्म में जुर्माना भरना पड़ा। अब नंदू की दुकान पर चाट खाने कोई नहीं आता था। लालच के कारण नंदू समझ चुका था कि उसने अपने दोस्त चंदू की बातों में आकर अपना ही नुकसान किया। काश मैंने चंदू की बात नहीं मानी होती और लोगों को बढ़िया सामान मिलाकर ही चाट बेची होती, तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। केले जैसी गाड़ी। राजनगर में मॉडल नाम का एक बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। वहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी। राजनगर का हर कोई इंसान अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहता था। इसी स्कूल में विजय का बेटा राजू भी पढ़ता था। एक दिन राजू अपने पापा से कहता है, पापा, अगले महीने मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। बहुत अच्छे बेटा, क्या तुम भी किसी एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं पापा, टीचर ने मुझे ऑफर किया था पर मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। पर पापा, सभी बच्चों के पापा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, वरना दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। विजय राजू को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन वह चुप हो जाते हैं। विजय, जो खुद एक अच्छे कार मैकेनिक थे, एक तरकीब लगाते हैं और बहुत कम पैसों में एक गाड़ी खरीद लेते हैं और 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद उसे वह मॉडिफाई करते हैं। और एक दिन आकर वह अपने बेटे राजू से कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बेटा, हम अगले महीने स्कूल के फंक्शन में अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच पापा? हाँ बेटा, मेरा विश्वास करो, अब तुम भी स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है पापा, मैं कल ही टीचर को अपना नाम लिखवा दूंगा। राजू अपने फंक्शन की तैयारी करने लगता है और इधर विजय कड़ी मेहनत से बहुत कम पैसों में एक बेहतरीन कार बना देता है। उस कार की खासियत थी उसका रंग और रूप। और ठीक फंक्शन से एक दिन पहले, राजू बेटा, घर से बाहर आओ, देखो अपनी नई कार। सच पापा? राजू जब घर से बाहर आकर अपनी कार देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
विजय ने कार को केले जैसा रंग रूप दिया था, जिससे वो बहुत ही अद्भुत दिख रही थी। अगले दिन राजू अपने पापा के साथ केले जैसी कार में स्कूल गया। रास्ते में सभी लोग उस कार को निहार रहे थे। राजू के सभी दोस्तों ने उस कार की बहुत तारीफ की और राजू ने भी फंक्शन में अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से किया। इस तरह राजू और विजय दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों ने अपनी मेहनत से उस दिन को एक सफल दिन में बदल दिया। जादुई बैल। छगन बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। वह दिन भर मेहनत कर थोड़े बहुत कपड़े रंग दिया करता था। उसके पास एक गाय थी जो दूध नहीं देती थी। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है। दिन भर कपड़े रंगो और शाम को आकर इस गाय की सेवा करो। दूध वो तो देती नहीं है, जिसे पीकर हम भी कुछ हट्टे कट्टे बन जाएं। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, गायें ऐसे दूध थोड़ा ना देगी। जब तक उसके बच्चा नहीं होगा तब तक यह दूध नहीं देगी। जा, इसे जानवरों के डॉक्टर को दिखा कर ला, वही कुछ इलाज करेंगे इसका। छगन अपनी गाय को लेकर जानवरों के अस्पताल में जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ ही महीनों में छगन की गाय के एक बछड़ा पैदा होता है। एक दिन जब वह कपड़ों को नीले रंग में रंग रहा था, तभी बछड़ा उछलता कूदता रंग वाले बर्तन में आ गिरा। छगन को गुस्सा आ गया और वो उसे छड़ी से मारने लगा। अब क्या हो गया, क्यों इस मासूम को मार रहा है रे? मासूम? अरे माँ, तुझे नहीं पता, इस मासूम ने मेरा सारा रंग गिरा दिया, सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। छगन उसे पकड़कर रस्सी से बांधने लगा। तभी बछड़े को नीले रंग में रंगा देख छगन के दिमाग में एक उपाय आया और अगले दिन उसने उस बछड़े के सर पर एक नकली सींग लगा दिया और उसे पूरा नीले रंग से रंग डाला और उसे लेकर शहर की ओर चल दिया। अरे, इस रंगे बछड़े को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, अब तो यह जादुई बछड़ा ही बनेगा मेरी कमाई का साधन, तू देखती जा। आइए आइए, जादुई नंदी महाराज के दर्शन कीजिए, अपने बिगड़े काम बनाइए, नंदी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। अरे भैया, जरा ठहरो, हमें भी नंदी महाराज के दर्शन करने दो। शाम होते होते छगन के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए और वह अपने बछड़े को लेकर गांव वापस लौट आया। देखा माँ, आज मैंने इस बैल की वजह से कितने पैसे कमाए हैं। अरे बेवकूफ, झूठ के पैसे कब तक कमाएगा? जिस दिन पकड़ा गया खूब पिटाई होगी तेरी। एक दिन शहर के बड़े मंदिर में मेला लगा तो छगन ने अपने बैल से कहा, चलिए नंदी जी महाराज, आजकल तो मेला लगा है, मंदिर में ही खड़े होंगे, खूब कमाई होगी, खूब खाने को मिलेगा। दिन ढलने तक छगन ने काफी पैसे कमा लिए, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ा और खूब तेज बारिश होने लगी। यह देखकर छगन डर गया। उसने अपने बैल को लेकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन भीड़ होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाया। और देखते ही देखते छगन के जादुई बैल का नीला रंग बहने लगा। जब लोगों ने यह देखा तो एक औरत ने कहा, अरे देखो तो, नंदी महाराज का नीला रंग निकलने लगा है। हाँ, पकड़ो इसे, मारो इसे, यह तो कोई ठग है जो अपने बैल को रंग कर हमें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ ने छगन की पकड़कर खूब पिटाई की और पुलिस वालों ने छगन को जेल में बंद कर दिया और उसके बैल को सरकारी तबेले में डाल दिया। आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस पर था। आकाश के पिता के पास एक घोड़ा था। उसके पिता उस घोड़े पर बच्चों को सवारी कराया करते थे, इसी से उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घोड़े को रखना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्हें अब घोड़ा बेचने की नौबत आ गई थी।
और उनका घोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। अब वह अधिक काम नहीं कर सकता था। अब आकाश भी बड़ा हो गया था। उसने सोचा वह अपने पिताजी को आराम देगा और खुद काम करेगा। पिताजी, आपने बहुत साल काम किया है, अब आप काम छोड़ दीजिए। अरे बेटा, मैंने काम नहीं किया तो हमारे पास रोटी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। मुझे तो काम करना ही होगा। देखता हूँ इस घोड़े की जगह कोई दूसरा घोड़ा खरीद लूँ, लेकिन इतनी महंगाई में घोड़ा भी कैसे खरीदूँ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूँगा और कमाई करके अपना घर चलाऊँगा। बेटा, मैं तो तुम्हें गरीबी की वजह से अधिक पढ़ा भी नहीं सका कि तुम किसी अच्छी नौकरी के लायक हो जाओ। तुम्हें तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर मजदूरी भी करनी पड़ी तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा। लेकिन अब आप नहीं करोगे, अब आपकी आराम करने की उम्र है, अब आप आराम कीजिए। एक दिन आकाश मेले में काम की तलाश में गया। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, शायद किसी दुकान में मुझे काम मिल जाए। आकाश ने सभी दुकानों में काम के लिए पूछा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। थक कर आकाश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी सी कार में बच्चों को घुमा रहा था और हर बच्चे से वह किराया ले रहा था। अरे वाह, यह काम तो बहुत अच्छा है। कार में बच्चों को बस एक राउंड घुमाओ और पैसे ले लो। काश मेरे पास भी ऐसी कोई कार होती। तभी आकाश को एक विचार आया। उसने घर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उनसे जूते की आकार की एक कार बनाई और उसने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे काट कर उसी से पहिए भी बनाए। बस फिर क्या था, एक अच्छी सी जूते की आकार की कार तैयार हो गई। पेंट करने के बाद वह कार बहुत आकर्षित लगने लगी। आकाश ने अपनी साइकिल को उस जूता कार से जोड़ दिया और चलाने लगा। अगले दिन आकाश उस कार को लेकर मेले में पहुंचा और बच्चों को बुलाने लगा। आओ आओ जूता कार में सैर करो, जूता कार में सैर करो, आओ आओ जूता कार, नई कार, जूता कार। आकाश की आवाज सुनकर कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर वहां आई और उससे कहने लगी, अरे भैया सुनिए, आपकी कार तो बहुत ही सुंदर है, क्या आप मेरे बच्चों को जूता कार में एक सैर करवा सकते हैं? जूता कार में सैर के मजे लीजिए। एक चक्कर के कितने पैसे लोगे भैया? एक राउंड के 20 रुपए लगेंगे मैडम। ठीक है, चलिए। जूते की आकार की कार देखकर सभी बच्चे उस कार में सैर करने की जिद करने लगे। इस तरह से आकाश का काम चल निकला और इससे उसकी काफी कमाई हो गई। इस तरह आकाश ने अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक कमाई का जरिया बना लिया। प्लीज सब्सक्राइब।